नमस्ते। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं वेज शेजवान मंचूरियन राइस। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी ये हम देखते हैं और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले शेजवान बॉल्स बनाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ शेजवान चटनी लेना है 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, कॉर्नफ्लोर लगेगा हमें यहाँ, शिमला मिर्च 1 छोटी, थोड़ी सी पत्ता गोभी लगेगी और ये गाजर लिया है हमने यहाँ। अब इन तीनों को हम किस लेंगे। यहाँ हम किसने के सहायता से तीनों भी चीजें से किस लेंगे। पत्ता गोभी हमारी किसना हो गई। अब हम ये गाजर किस लेंगे। गाजर के बाद में अब हम इसी में ये शिमला मिर्ची जो हमने 1 छोटी ली थी वो भी घिस लेंगे। ये हमने अब तीनों घिस ली है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होता है गाजर में शिमला मिर्ची में, तो ये हम हल्के हाथों से दबा के बिल्कुल थोड़ा बहुत जो निकलता है पानी वो निकाल लेंगे, तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा और हमें बॉल्स बनाते समय बॉल्स नरम नहीं होंगे हमारे, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही पानी निकलता है सब्जियों का जो, इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये मिर्च, ये नमक हम इसमें बिल्कुल थोड़ा ही डालेंगे, छोटा 1/2 चम्मच, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब यहाँ जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है तो हमें जितनी आवश्यकता होगी उतना हम इसमें डालेंगे। अगर बॉल्स नहीं बन रहे तो हमको कॉर्नफ्लोर और डालना पड़ेगा, तो यहाँ हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। उसके बाद में शेजवान चटनी जो हमने ली है वो इसमें डालेंगे हम। ये पूरी शेजवान चटनी हमने इसमें डाल दी है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम ये अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाना है हमें। इसमें और थोड़ा कॉर्नफ्लोर लगेगा क्योंकि ये सब्जियां ज्यादा हैं, तो इसे 2 चम्मच और डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर, और इसे अच्छे से मिक्स करके अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमने इसमें पानी नहीं डाला है, ये सब्जियों के पानी से ही ये हो जाता है। अब इसके हम एकदम छोटे छोटे इस साइज के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे सब। यहाँ हमने पूरे बॉल्स बना लिए। मंचूरियन राइस के लिए हमें 8-10 ही बॉल्स लगेंगे और ये हमें छोटे साइज के लगेंगे, तो हमने बिल्कुल छोटे साइज के बनाए हैं। मंचूरियन बॉल्स तलने के लिए हमने तेल गरम करने रख दिया है। तेल हमें चेक कर लेते हैं हम कि तेल अच्छे से गरम हो गया है। तेल गरम, अब हम इसमें ये मंचूरियन बॉल्स है ये तलने के लिए डालेंगे। हमें इसे मीडियम आंच पे ही तलना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है। ये बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब हम राइस की तैयारी करेंगे, राइस फ्राई करने की। तो उसके लिए अब हम सामग्री देखते हैं क्या क्या लगती है। यहाँ 1 कटोरी राइस लिए थे हमने और ये हमने बना के रख लिए हैं, और इसे हमें थाली में बनने के बाद में थाली में ठंडे करना है, क्योंकि ठंडे करने पे जब हम फ्राई करते हैं तो राइस एकदम फरके बनते हैं और अच्छे बनते हैं, इसलिए हमने इसे ठंडे कर लिए हैं राइस को। यहाँ हमने तेल लेना है 1 बड़ा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि हमने चावल जब बनाए तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला हुआ था, और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, चिली सॉस लिया है रेड चिली सॉस 1 चम्मच, सोया सॉस 2 छोटा चम्मच, ये शेजवान चटनी ली है हमने 2 चम्मच, और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है हमें 1 चम्मच, शिमला मिर्ची बारीक कट करी हुई है, गाजर भी एकदम हमें बारीक पीस करना है इनके, पत्ता गोभी ली है थोड़ी सी बारीक पीस करके हुए। पैन गरम करने रख दिया है हम, इसमें ये तेल लिया था हमने ये डालेंगे। तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होने पे इसमें हम ये जो पत्ता गोभी शिमला मिर्ची और गाजर जो हमने ली थी ये हम डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा। अब इसमें हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था ये डाल देंगे,
उसके बाद में जो सोया सॉस लिया है ये डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, चिली सॉस, सेजवान चटनी, सब हम उसमें मिला देंगे। अब ये हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं सब डालने के बाद, उसके बाद में मंचूरियन बॉल्स डालेंगे इसमें। अगर आप तीखा खाते हो, स्पाइसी होना आपको, तो आप बड़ी मिर्ची की क्वांटिटी, लाल मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसमें। अब ये हम एक मिनट मंचूरियन बॉल्स इसमें मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में हम इसमें जो राइस है ये डालेंगे। हम अब इसमें नमक डाल देंगे और नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार है वेज सेजवान मंचूरियन राइस। अब हम इसमें चाहे तो ये ग्रीन ऑनियन बारीक कटे हुए हैं इसे डाल देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक की सब्सक्राइब करना ना भूलें।